हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ता और मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। और आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक ऐसे कैफ़े जो बहुत ही सुंदर जगह है। और वो कहाँ पर लोकेटेड है? जोगनी वाटरफॉल्स मनाली के पास में। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हम लोग वाटरफॉल्स पे गए थे, मतलब ट्रैक करके। वहाँ से वापस आते हुए हमें रोड पर ये जगह दिखी राइट साइड में, द कैफ़े हस्की 85। तो हमने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। थोड़ी हमें भूख भी लगी थी, मेरा कुछ गर्म गर्म पीने का बहुत मन कर रहा था। और ये हमने बाहर से देखा, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि बर्गर्स, क्रीम रोल्स और ब्राउनीज, पैटीज, यू नो, बहुत कुछ था यहाँ पे खाने के लिए। तो हमने एक जगह ढूंढ ली फटाफट से और हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ बैठें, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगी, खाना पीना भी हो जाएगा। जगह हमें बड़ी अच्छी लगी। अगर आप उस तरफ जाओ तो आप भी डेफिनेटली विजिट करना, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा आई एम श्योर। हमने दो चार चीज़ें ऑर्डर कर लिया और भैया कॉफ़ी ले आए, तो चलो हो जाए। हाय फ्रेंड्स, तो वाटरफॉल की ठंडी में भीगने के बाद एक हॉट कॉफ़ी तो बनती है, राइट? भैया ने डार्क बनाई है, बट आई एम लाइकिंग इट, आई एम एक्चुअली लविंग इट। मस्त हो रही, मुझे तो डार्क ही पसंद आती है, इसमें मीठा थोड़ा कम हो तो ये परफेक्ट फ्लेवर है जैसा मुझे पसंद आया बूट से। बहुत अच्छी कॉफ़ी, वैसे मैं चाय पर्सन, बट दिस कॉफ़ी यहाँ मैं पिघल गई। लो जी, तो अब आ गए हैं वेज पैटी और क्रीम रोल भी, जो कि हमने ऑर्डर किए थे। और ये भैया ने रख दी है प्लेट में। मुझे क्रीम रोल बहुत बहुत टेस्टी लगा यार, बहुत ही टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, फ्रेश था, तो इस वजह से और ज़्यादा टेस्टी। ये मेरा हैप्पी डांस। और साथ में हमने मंगा लिए छोले भटूरे, क्योंकि खाना अच्छा था और हमारा मन भी बहुत कर रहा था, तो फिर क्रेविंग को हम रोक नहीं पाए और हमने छोले भटूरे ऑर्डर कर लिए। अब आप देख सकते हो कितने फ्रेश फ्रेश, उन्होंने टाइम लगाया थोड़ा, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज दे प्रिपेयर्ड इट फ्रेश। हमें पता चल रहा था कि फ्रेश है, जो आप फ्रेश खाना खाते हो उसकी एसेंस ही, यू नो, अलग होती है। और देख रहे हो कितने गरम गरम है छोले, इसके चक्कर में थोड़ा मैंने अपना मुँह जला भी लिया था, क्योंकि मैंने बहुत गरम गरम खा लिए, कपड़े गीले थे, तो मुझे लगा कि अरे गरम गरम खाऊंगी तो अच्छा फील होगा, बट वो इतना गरम था कि मेरा मुँह जल गया था। हाँ, तो पर टेस्ट वाइज बहुत बहुत अच्छे थे। प्राइसेस थोड़ा सा हायर साइड पर हैं, बट जब आप सर्विस देखोगे और आप खाना देखोगे तो, और आप बैठकर वहाँ पर कंफर्ट देखोगे, तो यू विल सी कि वो जस्टिफाइड है। तो इट्स अ मस्ट ट्राई अगर आप जोगनी वाटरफॉल्स जाते हो, अगर आप उस ट्रैक की तरफ जाते हो या उसके आसपास वाली रोड पर भी कहीं रुके हो, तो आप एक बार यहाँ खाने तो ज़रूर ही जा सकते हो। दे ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो अ लॉज, तो इनके पास ऊपर रूम्स भी हैं, ये देखो जैसे कि इसमें दिख रहे हैं। तो अगर आप इनसे रूम्स बुक करना चाहते हो तो उसकी प्राइस भी मुझे तो नॉमिनली लगी, जो मैंने यू नो सर्च पर देखा था। मैंने यहाँ पर रूम नहीं लिया था, बट मैंने जो रिव्यूज़ देखे हैं और जिस हिसाब से इनके कैफ़े की सर्विस थी, मुझे लगता है कि वो रूम्स भी अच्छे ही होंगे। तो अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। हम लोग बाहर आ गए हैं और चलते हुए आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है शाम का। और डू यू रिमेम्बर जब हम जोगनी वाटरफॉल्स जा रहे थे, मेरी पिछली वीडियो में, जो कि वाटरफॉल्स की वीडियो है जिसमें हमने ट्रैक किया है, जाते हुए मैंने आपको दिखाया था एक नदी का नज़ारा, है ना? तो वापस आते हुए जब हम पैदल वापस आ रहे थे नीचे की तरफ, यानी कि माल रोड की तरफ, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि ये तो हमें एक्सप्लोर करना बनता ही है। जाते हुए मैंने देखा था कि काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े थे और वो रिवर साइड को एंजॉय कर रहे थे, तो हमें लगा कि हम कैसे मिस कर सकते हैं। ऑल्सो इतने सनसेट व्यूज़, इतना सुंदर व्यू था, आप देख सकते हो सामने, है ना, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो हम भी आ गए हैं यहाँ। ये देखो फ्रेंड्स क्या नज़ारा है, क्या व्यू है, साथ में नदी है, है ना, मज़ा ही आ गया मेरे को देख के, इतना मज़ा आ गया। आपको भी आ रहा होगा ना, इफ़ नॉट 100% सेम तो कुछ तो आ ही रहा होगा। और आप बादल देख रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हैं क्लाउड्स, है ना। ये है ऊपर रोड, आप चलते हैं ऊपर की तरफ, चलो। तो फ्रेंड्स हमारी बस है वापस की 9:30 बजे की, अभी अराउंड हो रहे हैं 7:30। फ्रेंड्स दिस इज़ वी, और मैंने अभी आपको रिवर का व्यू भी दिखाया, आप वहाँ पे खड़े होकर भी फोटोज़ खींच सकते हो, राइट? वो दिख रहा है आपको, वही है सामने। हाँ जी, तो आप सारी मनाली की वीडियोस देख चुके हो, आई होप आपको ये सारी वीडियोस बहुत पसंद आई हो। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक करना और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार देखो मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, और आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन।